हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, फिर से एक बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूजफुल होने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इन दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ लैब साइंटिफिक ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन इन सभी पोस्ट के लिए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं? सैक्यारोमाइसिस, सेरेविसिस, बैसिलस, सप्टेलिस, पेनिसिलम, क्राइसोजिनम, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है सैक्यारोमाइसिस, सेरेविसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोडक्शन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड आर। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिप्टोमाइसिन ग्रासियस, स्ट्रिप्टोमाइसिस नाइगेर, सैक्यारोमाइसिस सर्वेसी, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रिप्टोमाइसिन ग्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोडक्शन इज। बाय प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है जब स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन है विटामिन ए प्रोलिन, विटामिन बी 12, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एसिटिक एसिड प्रोडक्शन द मेथड फॉलोड आर। एसिटिक एसिड प्रोडक्शन के लिए कौन सी मेथड फॉलो की जाती है? आर्लिंस प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, सबमर्ज प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी प्रोसेस है जो एसिटिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अमाइलेज प्रोडक्शन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। अमाइलेज प्रोडक्शन के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं? बी सप्टेलिस, एस सर्विसिस, ए नाइगेर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बी सप्टेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिनेज इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। पेक्टिनेज इंडस्ट्रियली किससे प्रोड्यूस किया जाता है? एस सेरेविसी, ट्राइकोडर्मा कोनिग्नी, ए निगर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ए निगर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्युलोज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। सेल्युलोज किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एस सेरेविसी, ट्राइकोडर्मा कोनिग्नी, ए निगर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ट्राइकोडर्मा कोनिग्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी 12 इज फ्रॉम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी 12 किससे होता है? ट्रोपियोनिबैक्टेरम स्पेसिस, सिडोमोना स्पेसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टरियम एसिटोबुटीलिकम इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटोन ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, विटामिन बी 12, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इंडस्ट्रियली द ईस्ट यूज्ड इज। के निमोनी, क्लोरेरोमाइसिस फ्रेजिलिस, एस सेरेविसी, बोथ ए बी एंड सी। करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड यूज एज। साइट्रिक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? फ्लेवरिंग एजेंट और इन फूड, एज एन एंटीटॉक्सिकेंट, एज प्रिजर्वेटिव, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन इन एरोबिक कंडीशन बाय द फंजाय। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन एरोबिक कंडीशन में फंजाय से किया जाता है वह कौन से होते हैं? एस्परजिलस, पेनिसिलिन, म्यूकर या ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल फॉर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज। कॉर्न, मोलेसिस, स्टार्च, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है कॉर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परजिलस नाइगर इज यूज जनरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, पेनिसिलिन, साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। करेक्ट आंसर है साइट्रिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन द पीएच टू बी मेंटेन इन द फर्मेंटर इज। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में पीएच जो मेंटेन की जाती है फर्मेंटर में वह क्या होती है? 7, 7, 5 to 6, 8 to 9, 1 to 6। करेक्ट आंसर है 5 to 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड इज। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर क्या रिक्वायर्ड होता है? 10 to 80 degree Celsius, 30 to 50 degree Celsius, 20 to 50 degree Celsius, 25 to 30 degree Celsius। करेक्ट आंसर इज 25 to 30 degree Celsius।
The next question is the penicillin production produced in large scale submerged fermentation are penicillin A, penicillin D, penicillin G, none of these. Correct answer is penicillin G. Next question is the strain of fungi used for the large scale production of penicillin is penicillin Chrysogenum, P. Notatum, Streptomycin oricus, Saccharomyces species. Correct answer is penicillin Chrysogenum. Next question is 6 amino penicillin acid is prepared from penicillin species by acylase, penicillin, acylase, penicillinonan, none of these. Correct answer is penicillin acylase. Next question is the pH to be maintained for the production of penicillin. pH to be maintained production, penicillin ke production ke liye kya pH maintain ki jati hai? 7.5, 6.5, 8 या 5. Correct answer is 6.5. Next question is, during the preparation of routine H and E slide, what allow the tissue to be visualized? Fixation, embedding in paraffin, staining or slicing? Correct answer is staining. Friend, important notice है आपके लिए. आपको अगर आरोग्य विभाग भर्ती के लिए notes चाहिए तो हमारे चैनल पे यह आपको मिल जाएंगे. आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. वहां से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. टर्म वैक्सीन वॉज कोइन बाय, वैक्सीन जो टर्म है ये किन्होंने कोइन की? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, पाश्चर, नीडहम, None of this. इसका करेक्ट आंसर है पाश्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर कौन थे? गैलीलियो, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, पाश्चर, कोच. इसका करेक्ट आंसर है एंटोनी वॉन लीवेनहुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पाश्चर कंडक्टेड फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स इन, पाश्चर ने जो फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट किया था वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया था? मिल्क, फूड मटेरियल, फ्रूट जूस या बोथ ए एंड सी? इसका करेक्ट आंसर है फ्रूट जूस. उन्होंने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था वह फ्रूट जूस के ऊपर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमोथेरेपी वॉज प्रपोज बाय, केमोथेरेपी की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन है पॉल अर्लिच, जोसेफ लिसर, एली मेटेनिकोफ, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है पॉल अर्लिच. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, फैगोसाइटोसिस का रोल किसने डिस्कवर्ड किया था? पॉल अर्लिच, जोसेफ लिसर, एली मेटेनिकोफ या पाश्चर? इसका करेक्ट आंसर है एली मेटेनिकोफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है एल फॉर्म आर डिस्कवर्ड बाय, एल फॉर्म किसने डिस्कवर्ड किया था? क्लेन बेर्गर, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच या एंटोनी वॉन लीवेनहुक? इसका करेक्ट आंसर है क्लेन बेर्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया था? हॉवर्ड रिकेट्स, डा रोचा लिमा, बोथ ए एंड बी, रॉबर्ट कोच? इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी. मतलब ये जो कॉजेटिव एजेंट है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का, ये हॉवर्ड रिकेट्स और डा रोचा लिमा ये दोनों ने डिस्कवर्ड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बैक्टेरियोलॉजी बैक्टेरियोफाज वॉज कोइन बाय, बैक्टेरियोफाज टर्म किसने कोइन की थी? डी हैरेली, एफ डब्ल्यू टॉर्ट, बेजिनिक, जॉनोस्काय? इसका करेक्ट आंसर है डी हैरेली. नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, वायरल इन्फेक्शन बैक्टेरिया का वायरल इन्फेक्शन किसने डिस्कवर्ड किया? डी हैरेली, एफ डब्ल्यू टॉर्ट, जेरनिक, जॉनोस्की, जॉनोक्सी? का करेक्ट आंसर है बी एफ डब्ल्यू टॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट रिजॉल्व एनी इमेज लेस देन, ऑप्शन है वन आई एम, टू आई एम,
7 IM, 5 IM. इसका करेक्ट आंसर है 5 IM. आई cannot resolve any image less than 5 IM. 5 IM से छोटी वाली इमेज हमारी आग जो होती है वह रिजोल्व नहीं कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? ए वी लिवेनवोक, पाश्चर, जैनसेन एंड हैंस, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है जैनसेन एंड हैंस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैनसेन एंड हैंस ने डिस्कवर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? प्रोफेसर फ्रिट्ज, जैनसेन एंड हैंस, नॉल रुस्का, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है नॉल रुस्का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन रेंज क्या होती है? ऑप्शन है 1000x टू 5000x, 1000x टू 2000x, 500x टू 1000x, none of these. इसका करेक्ट आंसर है 1000x टू 2000x. इतनी मैग्निफिकेशन रेंज होती है लाइट माइक्रोस्कोप की. कंडेंसेशन ऑफ लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप इज बाय, कंडेंसेशन ऑफ लाइट जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो किससे होता है? ऑब्जेक्टिव से होता है, कंडेंसर से होता है, या ऑक्युलर से होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है. इसका करेक्ट आंसर है कंडेंसर से होता है, कंडेंसेशन कंडेंसर से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी जो होती है माइक्रोस्कोप की उसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल एपर्चर, एंगुलर एपर्चर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है न्यूमेरिकल एपर्चर. लाइट गैदरिंग कैपेसिटी जो होती है माइक्रोस्कोप की उसे न्यूमेरिकल एपर्चर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10x एंड 40x ऑब्जेक्टिव आर यूज्ड, एयर इज द मीडियम, द न्यूमेरिकल एपर्चर इज 1.5, 2.0, 1.0 या 1.8. इसका करेक्ट आंसर है 1.0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्टिव इनटू टू सेपरेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसमें डिस्टिंग्विश होता है, जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है टू ऑब्जेक्टिव इनटू टू सेपरेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजोल्विंग पावर, वेवलेंथ, NA या नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है रिजोल्विंग पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.018 एंगस्ट्रॉम, 0.1 mm, 5 IM, 1 mm. इसका करेक्ट आंसर है 0.1 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज फ्रॉम, इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? मर्क्यूरी लैम्प, सनलाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी लैम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेफर्ड द मैग्नेटिक लेंस इन 1927, किसने मैग्नेटिक लेंस प्रेफर की थी 1927 में? गैबर, ब्रोगली, बुश्ट, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है गैबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप बाय नेली एंड रुस्का इज, मैग्निफिकेशन पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेवलप की थी किसने? नेल और रुस्का ने, वो क्या है? 10,000x, 12,000x या 15,000x या 20,000x. इसका करेक्ट आंसर है 12,000x. ये दोनों ने जो मैग्निफिकेशन पावर डिस्क्राइब की थी वो है 12,000x. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी लैम्प, टंगस्टन मेटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन पास आउट फ्रॉम द स्पेसिमन आर कॉल्ड, स्पेसिमन से जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, टर्शियरी इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोरिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, माइकोरिजा जो होता है वो किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था? फंक, फ्रैंक, फिशर या क्रिक. इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रूव बेसिंग ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बाय, किसने
ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का बेस लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया था? ऑप्शन ए एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी, लेडरबर्ग एंड टॉल्टम, जिंडर एंड लेडरबर्ग, वैटसन एंड क्रिक। इसका करेक्ट आंसर है एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैगोसाइटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, फैगोसाइटिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? लुईस पाश्चर, एली मैटनिकोफ, बेरिंग, विडाल। इसका करेक्ट आंसर है एली मैटनिकोफ। फैगोसाइटिक थ्योरी जो है वह एली मैटनिकोफ ने प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफिलैक्सिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, एनाफिलैक्सिस फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया? पार्टन एंड रिचेट, कोम्स, गेल, none of these। इसका करेक्ट आंसर है पार्टर एंड रिचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेडिएटर इन एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस में प्राइमरी मेडिएटर क्या होता है? हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हिपारिन या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थर्स रिएक्शन वॉज डिस्कवर बाय, आर्थर्स रिएक्शन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? ऑप्शन है मैरिसी आर्थर्स, वॉन पर्क्विट, रिचेट या पोर्टर। इसका करेक्ट आंसर है मैरिसी आर्थर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम सिकनेस रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सीरम सिकनेस रिएक्शन किसने डिस्कवर्ड की थी? मैरिसी आर्थर्स, वॉन पर्क्विट, रिचेट या पोर्टर। इसका करेक्ट आंसर है वॉन पार्क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप बाय, हाइब्रिडोमा टेक्निक किसने डेवलप की थी? कोशलर, मिल्स्टन, नेल, जर्नी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। डिसीज दैट अफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म एज, जो डिसीज मेनी पीपल में ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंट्रीज में, उसे क्या टर्म से नोन किया जाता है? स्पोरैडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक। इसका करेक्ट आंसर है पैंडेमिक, सॉरी स्पोरैडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेक्टर ट्रांसमिट द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड एज, वेक्टर ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन मैकेनिकली उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल वेक्टर, मैकेनिकल वेक्टर, बायोलॉजिकल रिजर्वायर या बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ अनादर पर्सन इज टर्म एज, इट इज टर्म एज, अगर पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है किससे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आने से अगर पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे क्या टर्म दिया जाता है? इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, अटैचमेंट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस इज नोन एज, वायरुलेंस का रिडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन, अटेन्युएशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है अटेन्युएशन। अटेन्युएशन में होता क्या है? रिडक्शन ऑफ द वायरुलेंस होता है, वायरुलेंस का रिडक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनहांसमेंट ऑफ वायरुलेंस इज नोन एज, वायरुलेंस का एनहांसमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेल्टेशन, अटेन्युएशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है एक्सेल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरुलेंस ऑफ पैथोजन इज यूजुअली मेजर्ड बाय, पैथोजन का जो वायरुलेंस होता है वो किससे मेजर किया जाता है? एलडी से, एमएलडी या आईडी या ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये जो तीनों पैरामीटर है वायरुलेंस ऑफ पैथोजन मेजरमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीथल डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द लैब एनिमल्स टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड कॉल्ड आईडी, एलडी 50, आईडी 50 या एमएलडी। इसका करेक्ट आंसर है एलडी 50। लीथल डोज जो रिक्वायर होता है एनिमल 50% एनिमल को किल करने के लिए लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसे एलडी 50 कहा जाता है। लीथल डोज 50% से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर क्या है? एडेशन, इनवेसिवनेस, टॉक्सिजेनिसिटी या एंजाइम्स। इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव या इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर जो होते हैं वो एडेशन होता है, इनवेसिवनेस होता है,
टॉक्सिजेनिसिटी होता है, एंजाइम्स होते हैं, ये पूरे आंसर इसके करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू स्प्रेड इन द होस्ट टिश्यू आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द इन्फेक्शन इज नोन एज. ऑप्शन है अडेजन, इनवेजुनेस, टॉक्सिजेनिसिटी, नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है इनवेजुनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट एज स्प्रेडिंग फैक्टर. जो एंजाइम दिए है उसमें से स्प्रेडिंग फैक्टर कौन से, हाइलुरोनिडेस, कोएगुलेस, कैटेलेस या डीएनएस. इसका करेक्ट आंसर है हाइलुरोनिडेस. ये जो होता है स्प्रेडिंग फैक्टर होता है, एक्ट एज ए स्प्रेडिंग फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विब्रियो कॉलरी वॉज डिस्कवर्ड बाय. विब्रियो कॉलरी किसने डिस्कवर्ड किया था, कोच, मैकनीकोफ, जॉनसनो, बर्चो. इसका करेक्ट आंसर है मैकनीकोफ. इन्होंने विब्रियो कॉलरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय. लुईस पाश्चर, इशेर्श शिगा या रॉबर्ट कोच. इसका करेक्ट आंसर है इशेरिच. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय. माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टेरियम लेप्री वॉज डिस्कवर्ड बाय. माइकोबैक्टेरियम लेप्री किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट कोच, हैंसेन, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर. इसका करेक्ट आंसर है हैंसेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वॉज आइसोलेटेड बाय. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी किसने आइसोलेट किया था, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लुईस पाश्चर. इसका करेक्ट आंसर है लुईस पाश्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टेरियम एंथेरेसिया वॉज आइसोलेटेड बाय. बैसिलस एंथेरेसिस किसने आइसोलेट किया था, लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी लीवेनहॉक या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैफिलोकोकस ऑरियस वॉज आइसोलेटेड बाय. स्टैफिलोकोकस ऑरियस किसने आइसोलेट किया था, रोजेनबैक, लुईस पाश्चर, पासेट या सर अलेक्जेंडर ऑक्सटोन. इसका करेक्ट आंसर है लुईस पाश्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडोमोनास एरोगिनोसा वॉज फर्स्ट नेम. किसने ये नेम दिया था, सिडोमोनास एरोगिनोसा. ऑप्शन है करटर एंड गेजाल्ट, रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर या एडवर्ड शेनर. इसका करेक्ट आंसर है शेरोटर एंड गेसार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडोमोनास ओरेगिनोसा वॉज फर्स्ट नेम बाय. सिडोमोनास ओरेगिनोसा ये किसने नेम किया था, शेरोटर गेसार्ड, रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, एडवर्ड शेनर या. इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजेरिया गनोरी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय. नाइजेरिया गनोरी किसने डिस्क्राइब किया था, नाइजर इन 1879, पाश्चर इन 1878, रॉबर्ट कोच या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है पाश्चर इन 1878. नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. आरएच फैक्टर जो है ब्लड का वो किसने डिस्कवर्ड किया था, लुईस पाश्चर, लैंगस्टेनर एंड बेनर, जैंस्की, देन मॉस. इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फिफ्थ भी है, नॉन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है लैंगस्टेनर एंड बेनर. ट्रिपैनिमा पैलिडम वॉज डिस्कवर्ड बाय. ट्रिपैनिमा पैलिडम किसने डिस्कवर्ड किया था, कॉर्डिन एंड हुफमैन, लुईस पाश्चर, बर्गी, लेनिक, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है शॉर्डिन एंड हुफमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट सब्सटेंस यूज इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी आर. फ्लोरेसेंट सब्सटेंस यूज किया जाता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में, वो सब्सटेंस कौन सा होता है, क्विनिन सल्फेट, ऑरेमाइन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको देना है कमेंट में.
तो ट्राई कीजिए इसका आंसर देने के लिए, देखते हैं टू पाश्चर स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स, फर्मेंटेशन इज एरोबिक प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फाउंड फ्लोटिंग देयर इन अर्थ अर्थली पार्टिकल्स सम ग्रीन स्ट्रीक स्पाइरली उन्ड सर्पेंट वॉइस एंड ऑर्डरली अरेंज। द होल सर्कमस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस स्ट्रीक वॉज अबाउट द थिकनेस ऑफ अ हेयर ऑन वंस हेड। दिस वर्ड्स आर ऑफ लिवेनहुक, जेनर, पाश्चर या कोच। इसका करेक्ट आंसर है लिवेनहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पोरफिरिन या रोडेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है डिसिमिलेशन, इमोबिलाइजेशन, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ओपन ट्यूब ऑफ ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टेरिया व्हेन एयर वॉज फ्री ऑफ डस्ट। ऑप्शन है एब स्पैलेंजेनी, जॉन टिंडल, फ्रांसिस्को रेडी या पाश्चर। इसका करेक्ट आंसर है जॉन टिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स आइसोलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विथ ट्यूबरक्यूलोसिस, अ पेशेंट हु हैड माइनर सर्जरी, अ पेशेंट विथ ग्लोकोमा, अ पेशेंट विथ ल्यूकेमिया। इसका करेक्ट आंसर है अ पेशेंट विथ ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्टम जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस एंड डिसकंफर्ट इज कॉल्ड सिस्टेसिस, मेलाइसिस, एनाफिलेक्टिक शॉक या आर्थराइटिस। इसका करेक्ट आंसर है मेलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिम्बायोटिज्म, एजोटोबैक्टेरी, एस्पेली, राइजोबियम, नोस्टोक या ब्रैडी राइजोबियम। इसका करेक्ट आंसर है ब्रैडी राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइड द एविडेंस दैट बैक्टेरियोफेज न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन एंटर द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ऑप्शन है अल्फ्रेड डी हार्शी एंड लियोनार्ड टॉटम इन 1951, अल्फ्रेड डी हार्शी एंड जिंडर लेडनबर्ग इन 1951, अल्फ्रेड डी हार्शी एंड मार्था चेस इन 1952, अल्फ्रेड डी हार्शी एंड मैक्लॉयड इन 1952। तो करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड डी हार्शी एंड मार्था चेस इन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरुलिना बिलोंग टू ज़ैंथोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी या फियोफाइसी। इसका करेक्ट आंसर है साइनोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज आईजीजी, आईजीएम, आईजीए या आईजीडी। इसका करेक्ट आंसर है आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट इमिटेड बाय ल्यूमिनेसेंट बैक्टेरिया इज मेडिएटेड बाय एंजाइम, कोएंजाइम क्यू, ल्यूसिफेरेज, लैक्टोज डीहाइड्रोजनेज या कार्बोक्सिलेज रिडक्टेज। इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वेक्टर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फैग्मिड वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कॉस्मिड वेक्टर या ईस्ट एपिजोमल प्लास्मिड। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे मैग्नेशियम एसिड, प्रोड्यूस अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट,
डिप्लीट न्यूट्रिएंट, प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. इसका करेक्ट आंसर है प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज, पॉलीथीन या नन ऑफ अबव. इसका करेक्ट आंसर है पॉलीथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बाय मीन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऑल ऑफ अबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट इन अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट. ऑप्शन है कैंडिडा अल्बिकेन, एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस. इसका करेक्ट आंसर है एस्परजिलस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विथ द एड ऑफ न्यूबर चेम्बर, एनएरोबिक चेम्बर, मिनरल ऑयल या ऑलिव ऑयल. इसका करेक्ट आंसर है न्यूबर चेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑब्टेन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल, वर्चुअल, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड. इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन कीटोलेस, जाइमेस, पेरोक्सिडेस या ऑक्सीडेस. इसका करेक्ट आंसर है जाइमेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द स्पोर आर प्रोड्यूस सेक्सुअली. ऑप्शन है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, अस्कोस्पोर या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है अस्कोस्पोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल ट्रांसपोरेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडरबर्ग एंड टॉटम, बीडल एंड टॉटम, ग्रिफिथ या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है एडरबर्ग एंड टॉटम. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पाश्चर, रिश्चर, एवी लिवेनहॉक या रॉबर्ट कोच. इसका करेक्ट आंसर है एवी लिवेनहॉक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक मेथड वॉज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय लोनोवस्की, लॉर्ड लिस्टर, एडवर्ड जेनर या बेजर रिंच. इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, लिस्टर या एडवर्ड जेनर. इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म म्यूटेशन वॉज कोइंड बाय पाश्चर, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिस या लेमार्क. इसका करेक्ट आंसर है ह्यूगो डी ब्रिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन, पाश्चर या जॉनसन हैंस या नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है जॉनसन एंड हैंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज पाश्चर, जेनर, कोच या ए एल होक. इसका करेक्ट आंसर है कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज दैट अफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इन इज टर्म एज स्पोरैडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक. इसका करेक्ट आंसर है पैंडेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा इज प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन विद द किल्ड वैक्सीन या ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नेटिक कॉइल, सुपरफाइन ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल या इलेक्ट्रॉन्स. इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक कॉइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल या एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसका करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक पार्टिकल ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड ग्लायोक्सिजोम्स, पेरोक्सिजोम्स, ऑक्सीजोम्स या स्पेरोक्सिजोम्स. इसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सिजोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक मेथड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड लिस्टर, वेनिवॉस्की, बाइजर्निक, एडवर्ड जेनर. इसका करेक्ट आंसर है
Lord Lisser. Kuru disease is humans in humans is caused by bacteria, viroid, prions या mycoplasma. इसका करेक्ट आंसर है prions. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ म्यूटेशन दैट प्रोड्यूस टर्मिनेशन कोडॉन इज मिससेंस म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन. इसका करेक्ट आंसर है नॉनसेंस म्यूटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेल वॉल, मीडियम, पिलाय या कैप्सूल. इसका करेक्ट आंसर है पिलाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ लिसिन, अर्नेस्ट एबे, पाश्चर या बाइजेरिनी. इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ लिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ वॉटर बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, फूड बॉर्न डिसीज या आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज. इसका करेक्ट आंसर है एयर बॉर्न डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है फैगोसाइटिक फिनोमिनन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेचनिकॉफ या रॉबर्ट कोच. इसका करेक्ट आंसर है मेचनिकॉफ. फ्रेंड्स ये जो डिस्कवर्ड बाय, इन्वेंटेड बाय या फादर ऑफ, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. इनके जो साइंटिस्ट के नेम है ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है. आगे का क्वेश्चन है मेजोजोम आर ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्मिड्स या कॉन्ड्रॉइड्स. इसका करेक्ट आंसर है कॉन्ड्रॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से. ऑप्शन है कोलर एंड मिल्सन, रॉबर्ट कोच, डी हरेली या लैंडस्टेनर. इसका करेक्ट आंसर है कोलर एंड मिल्सटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल इविडेंस ऑफ डेथ इन ससेप्टिबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड LD50, ID, MLD या ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है MLD. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम मर्क्यूरी लैम्प, टंगस्टन मेटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिथ इन 1928 रिपोर्टेड द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन एच इन्फ्लुएंजा, बैसिलस स्पेसिस, निमोकोकाई या ई कोलाई. इसका करेक्ट आंसर है निमोकोकाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोन, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 0.2 सेंटीमीटर. इसका करेक्ट आंसर है 0.2 माइक्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है The capacity of a given strain of microbial species to produce disease is known as pathogens, virulence, infection या none of these. इसका correct answer है virulence. Next question है monoclonal antibodies are associated with the name of Burnett, Medwar, Milston Kohler या Owen. इसका correct answer है Burnett. Next question है Lederberg and Totem in 1946 described the phenomena of conjugation, transformation, mutation, plasmid. Iska correct answer is conjugation. Next question is hanging drop method for motility study was first introduced by Robert Koch, Louis Pasteur, Jenner, yeah, Leeuwenhoek. Iska correct answer is Leeuwenhoek. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्निफिकेशन अप टू 100x, 2000x, 50,000x, 2,00,000x. फ्रेंड ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू. क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाश्चर स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियोआइसोमर्स, फर्मेंटेशन इज एरोबिक प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियोआइसोमर्स, बोथ ए एंड बी. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियोआइसोमर्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड फ्लोटिंग देयर इन अर्थ अर्थली पार्टिकल्स सम ग्रीन स्ट्रीक स्पाइरली उंड सर्पेंट वॉइस एंड ऑर्डरली अरेंज द होल सर्कमस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दी स्ट्रीक वॉज अबाउट द थिकनेस ऑफ अ हेयर ऑन वंस हेड. दिस वर्ड्स आर ऑफ लिवेनहुक, अ जेनर, पाश्चर या कोच. इसका करेक्ट आंसर है लिवेनहुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पोरफिरिन या रोडेप्सिन. इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज. ऑप्शन है डिसिमिलेशन, इमोबिलाइजेशन, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन. इसका करेक्ट आंसर है इमोबिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ओपन ट्यूब ऑफ ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टेरिया when air was free of dust. Option है Ab Spallanzani, John Tyndall, Francisco Redi या Pasteur. इसका करेक्ट आंसर है John Tyndall. Next question है, reverse isolation would be appropriate for a patient with tuberculosis, a patient who had minor surgery, a patient with glaucoma, a patient with leukemia. इसका करेक्ट आंसर है a patient with tuberculosis. Next question है, the symptom general feeling of illness and discomfort is called cystasis, melasis, anaphylactic shock या arthritis. इसका करेक्ट आंसर है melasis. Next question है, on soybean which of the following forms symbiotism? Azotobacteria, Aspeli, Rhizobium, Nostoc या Brady Rhizobium. इसका करेक्ट आंसर है Brady Rhizobium. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who provide the evidence that bacteriophage nucleic acid but not protein enter the host cell during infection? ऑप्शन है Alfred D. Hershey and Leonard Totem in 1951, Alfred D. Hershey and Zinder Ledenberg in 1951, Alfred D. Hershey and Martha Chase in 1952, Alfred D. Hershey and McLeod in 1952. So correct answer is Alfred D. Hershey and Martha Chase in 1952. Next question is, spirulina belong to xanthophycie, cyanophycie, rhodophycie या phaeophycie. इसका correct answer है cyanophycie. Next question is, the first antibody to contact invading microorganism was IgG, IgM, IgA या IgD. इसका correct answer है IgM. Next question is, the light emitted by luminescent bacteria is mediated by enzyme coenzyme Q, luciferase, lactose dehydrogenase या carboxylase reductase. इसका correct answer है lactose dehydrogenase. Next question है, pick out the vector using in human genome project. Phagmid vector, yeast artificial chromosome, cosmid vector या yeast एपिजोमल प्लास्मिड. इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे मेक देम एसिड, प्रोड्यूस अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, डिप्लीट न्यूट्रिएंट, प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. इसका करेक्ट आंसर है प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्स, पॉलीथीन या नन ऑफ अबव. इसका करेक्ट आंसर है पॉलीथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बाय मीन ऑफ
बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऑल ऑफ अबाव. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट इन अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट. ऑप्शन है कैंडिडा अल्बिकेन, एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस. इसका करेक्ट आंसर है एस्परजिलस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विद द एड ऑफ न्यूबर चेंबर, एनएरोबिक चेंबर, मिनरल ऑयल या ऑलिव ऑयल. इसका करेक्ट आंसर है न्यूबर चेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑब्टेन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल, वर्चुअल, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड. इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन कीटोलेस, जाइमेस, पेरोक्सिडेस या ऑक्सीडेस. इसका करेक्ट आंसर है जाइमेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द स्पोर आर प्रोड्यूस सेक्सुअली. ऑप्शन है कोनिडिया, फोरेंजियोस्पोर, अस्कोस्पोर या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है अस्कोस्पोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल ट्रांसपोरेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडरबर्ग एंड टॉटम, बीडल एंड टॉटम, ग्रिफिथ या नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है एडरबर्ग एंड टॉटम. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पाश्चर, रिश्चर, एवी लिवेनहॉक या रॉबर्ट कोच. इसका करेक्ट आंसर है एवी लिवेनहॉक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक मेथड वॉज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय लोनोवस्की, लॉर्ड लिस्टर, एडवर्ड जेनर या बेजर रिंच. तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, लिस्टर या एडवर्ड जेनर. इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म म्यूटेशन वॉज कोइन्ड बाय पाश्चर, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिस या लेमार्क. इसका करेक्ट आंसर है ह्यूगो डी ब्रिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन, पाश्चर या जॉनसन हैंस या नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है जॉनसन एंड हैंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज पाश्चर, जेनर, कोच या ए एल होक. इसका करेक्ट आंसर है कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज दैट अफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म एज स्पोरैडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक. इसका करेक्ट आंसर है पैंडेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा इज प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन विद द किल्ड वैक्सीन या ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नेटिक कॉइल, सुपरफाइन ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल या इलेक्ट्रॉन्स. इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक कॉइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल या एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसका करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक पार्टिकल ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड ग्लायोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ऑक्सिसोम्स या स्पेरोक्सिसोम्स. तो करेक्ट आंसर है पेरोक्सिसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक मेथड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड लिस्टर, वेनिवोस्की, बाइजर्निक, एडवर्ड जेनर. इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिस्टर. कुरू डिसीज इज ह्यूमंस इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरॉइड, प्रायंस या माइकोप्लाज्मा. इसका करेक्ट आंसर है प्रायंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ म्यूटेशन दैट प्रोड्यूस टर्मिनेशन कोडॉन इज मिससेंस म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन. इसका करेक्ट आंसर है
नॉनसेंस म्यूटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेल वॉल, मीडियम, पिलाय या कैप्सूल. इसका करेक्ट आंसर है पिलाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ लिसिन, अर्नेस्ट एबे, पाश्चर या बाइजेरिनी. इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ लिस्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ वॉटर बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, फूड बॉर्न डिसीज या आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज. इसका करेक्ट आंसर है एयर बॉर्न डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैगोसाइटिक फिनोमिनन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेचनिकोफ या रॉबर्ट कोच. इसका करेक्ट आंसर है मेचनिकोफ. फ्रेंड्स, ये जो डिस्कवर्ड बाय, इन्वेंटेड बाय या फादर ऑफ, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. इनके जो साइंटिस्ट के नेम है ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है. आगे का क्वेश्चन है, मेजोजोम आर ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्मिड्स या कॉन्ड्रॉइड्स. इसका करेक्ट आंसर है कॉन्ड्रॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से. ऑप्शन है, कोलर एंड मिल्सन, रॉबर्ट कोच, डी हरेली या लैंडस्टेनर. इसका करेक्ट आंसर है कोलर एंड मिल्सटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल इविडेंस ऑफ डेथ इन ससेप्टिबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड LD50, ID, MLD या ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है MLD. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम मर्क्यूरी लैम्प, टंगस्टन मेटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ इन 1928 रिपोर्टेड द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन एच इन्फ्लुएंजा, बैसिलस स्पेसिस, निमोकोकाय या ई कोलाय. इसका करेक्ट आंसर है निमोकोकाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रॉन, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 0.2 सेंटीमीटर. इसका करेक्ट आंसर है 0.2 माइक्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पेसिस टू प्रोड्यूस डिसीज इज नोन एज पैथोजेंस, वायरुलेंस, इन्फेक्शन या नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है वायरुलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ बर्नेट, मेडवार, मिल्स्टन कोहलर या ओविन. इसका करेक्ट आंसर है बर्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडरबर्ग एंड टॉटम इन 1946 डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटेशन, प्लास्मिड. इसका करेक्ट आंसर है कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी स्टडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, जेनर या लेविन हुक. इसका करेक्ट आंसर है लेविन हुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्निफिकेशन अप टू 100x, 2000x, 50,000x, 2,00,000x. फ्रेंड, ये क्वेश्चन है आपके लिए. इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड लाइक सिम्टम आर कॉज बाय विच बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, ई कोलाय, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिमोफिलस ट्रिप्टोकोकस. करेक्ट आंसर इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रिप्टोकोकस फिकालिस द कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस एट, स्ट्रिप्टोकोकस फिकालिस में कॉन्जुगेशन कहा होता है, पिलाय, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फ्लैजेला. करेक्ट आंसर है सेल वॉल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टेड मैड डॉग मे कंटेन, इन्फेक्टेड मैड डॉग जो होता है उसमें क्या हो सकता है, नाइग्रिस बॉडी, नाइग्रिस बॉडी, नेग्रिस बॉडी या नेजर्स बॉडी. करेक्ट आंसर इज नाइग्रिस बॉडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसीज द नेजर्स विल प्रोड्यूस, नेजर से कौन सा डिसीज होता है, मम्स, रुबेला, पोलियो या मिजल्स. करेक्ट आंसर है मिजल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेंसिडिटी इन स्पॉइल फूड्स इज ड्यू टू, रेंसिडिटी होती है स्पॉइल फूड में वो किसकी वजह से होती है, लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिजेनिक माइक्रोब्स, सैकेरोलाइटिक माइक्रोब्स। करेक्ट आंसर है लिपोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियम दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ऐसा कौन सा बैक्टीरियम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इशेरिशिया, क्लेप्सिल्ला, प्रोटियस, सिरेशिया। करेक्ट आंसर है इशेरिशिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ प्लास्मिड आर, फंक्शन क्या है प्लास्मिड का, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मास आर बैक्टीरियल सेल्स दैट, माइकोप्लाज्मे होते हैं बैक्टीरियल सेल्स, वो क्या कंटेन करते हैं, फेल टू रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, हैव अ रिजिड सेल वॉल, आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्टेन विल विद ग्राम स्टेन। इसका करेक्ट आंसर है आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल सेल दैट आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ बोटुलिज्म इज अ, न्यूरोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है न्यूरोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक ड्यू टू, ड्यूरिंग लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या डिक्लाइन फेज। करेक्ट आंसर है लॉग फेज, बैक्टीरियल सेल आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक ड्यूरिंग द लॉग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पार्टिकल विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड, जो प्रोटीन पार्टिकल इन्फेक्ट करते उन्हें क्या कहा जाता है, वायरॉन्स, प्रायंस, न्यूक्लियोइडा, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है प्रायंस।